झारखंड पंचायती राज का चुनाव जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, ये कल इसका दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और आप देख पा रहे हैं ये खूंटी के बिरसा कॉलेज मल्टीपर्पस हॉल है, जहाँ से विभिन्न बूथों के लिए मतदान कर्मी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई है और कल दूसरे चरण का मतदान होना है। बता दें कि कल खूंटी जिले के तोरपा, रनिया और कर्रा प्रखंड क्षेत्र में मतदान होना है, जिसके लिए ये तैयारी चल रही है और कल मतदान होना है। और इस तरफ ये मत पेटी का वितरण केंद्र है, देखिए यहाँ से विभिन्न बूथों के लिए मतदाता कर्मियों को यहाँ से भेजा जा रहा है। आप यहाँ देखिए किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है, मत पेटी का वितरण केंद्र आप देखिए। और इस प्रकार इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ प्रशासन की टीम मतपत्र वितरण, ये मतपत्र वितरण हेतु पंडाल बनाया गया है, जहाँ से मतपत्र देख दिया जा रहा है और विभिन्न बूथों के लिए मतदाता कर्मियों को यहाँ से मतदान कर्मियों को यहाँ से भेजा जा रहा है। देखिए इस प्रकार से मतदान कर्मी लोग अपने अपने सामान के साथ यहाँ से निकल रहे हैं, आप इधर भी देख सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न बूथों के लिए आज मतदान कर्मी प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों की भीड़ भी लगी हुई है और विभिन्न क्लस्टर की जो विभिन्न क्लस्टर है वो भी अपने बूथों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर ये खूंटी बिरसा कॉलेज के मल्टीपर्पस हॉल है, जहाँ इस ग्राउंड में इस कैंपस में भीड़ लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं स्पष्ट यहाँ से, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कल दूसरे फेज का मतदान होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन खूंटी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। और ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं इन्हीं गाड़ियों से इस गाड़ियों से ही क्लस्टर विभिन्न क्लस्टरों की टीम अपने अपने बूथ के लिए मतदान हेतु प्रस्थान करेंगे, मतदान कराने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो टेंट लगाया गया है, यहाँ मैनेजमेंट टीम है, जहाँ से कि सभी क्लस्टरों को उनके बूथ के लिए जिस बूथ पर जिनका ड्यूटी पड़ा है उसके बूथ के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। कल दूसरे फेज का झारखंड पंचायती राज चुनाव का कल दूसरे फेज का मतदान होना है, जिसमें कि खूंटी जिले के कर्रा, तोरपा और रनिया प्रखंड में कल मतदान होना है। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और मतदान कर्मी यहां से आज प्रस्थान करेंगे, ताकि कल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जाएगा। आप देख सकते हैं नज़ारा किस प्रकार से सुरक्षा टीम व मतदान कर्मी सभी यहां मौजूद है और जाने की तैयारी कर रही है। सभी को उनके बूथों की लिस्ट सहित जिस प्रकार से जिन्हें ड्यूटी मिला है, जिन बूथ के लिए जिन्हें भेजा जा रहा है, वो लोग यहां से चलने की तैयारी में है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बिरसा कॉलेज खूंटी के फुटबॉल स्टेडियम का दृश्य है। देखिए यहाँ स्टेज पर भीड़ लगी हुई है, क्योंकि मतदान कर्मियों को यहाँ से उन्हें गाड़ी संख्या एवं उन्हें किस गाड़ी से जाना है, ये तमाम प्रकार की मैनेजमेंट चल रही है, सभी को यहाँ से भेजा जाएगा। आप फिर से देखिए ये मल्टीपर्पस हॉल बिरसा कॉलेज खूंटी का, ये उस कैंपस का बिरसा कॉलेज कैंपस का भी सीन है। मल्टीपर्पस हॉल आप देख पा रहे हैं यही है जो आप सीधे देख रहे हैं, ये मल्टीपर्पस हॉल है जहाँ से कि मतदान कर्मियों को भेजने का कार्य चल रहा है। और ये गाड़ियाँ लगी हुई आप देख पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की टीम एवं अन्य जो ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ से उन्हें देकर अब मतदान कराने हेतु बूथों पर भेजा जा रहा है। आप देखिए इस तरफ सुरक्षाकर्मी तैनात है, सुरक्षाकर्मी भी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और ये मतदान कर्मी लोग क्लस्टर की टीम क्लस्टर जो है उन्हें भी ऐसे भेजा जा रहा है। देखिए किस प्रकार से ये बॉक्स है जिसमें कि वोटिंग के बाद जो है इस पर ये बक्सा में ही वोट करके वोट दे के लोग अपना मतदान का प्रयोग करके इस बक्से में ही बैलेट पेपर को
डाला जाएगा, जिसके बाद इसे फिर मतदान काउंटिंग हॉल तक लाया जाएगा। आप इस प्रकार इस तरफ भी देखिए किस प्रकार से पूरी मुस्तैदी के साथ मतदान कर्मी अब निकलने की तैयारी में है। जिला प्रशासन खूंटी द्वारा लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है और कल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। और इस तरफ ये बिरसा कॉलेज खूंटी के जो फुटबॉल स्टेडियम है, यहाँ स्टेज बनाया गया है जहाँ से विभिन्न टीमों को मतदान कराने हेतु बूथों पर भेजा जा रहा है। और देखिए आप, भीड़ लगी हुई है, जिला प्रशासन की टीम, जिला प्रशासन की पूरी तैयारी हो गई है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए। अब देखिए यहाँ भी देखिए इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पूरी भीड़, क्योंकि कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है तो दूसरे फेज की मतदान कराया जाना है।